भाई मेरा एक्सपीरियंस ये है, आप दिन को कहीं भी नहीं जाओ, घर पे रहो, सो के रहो। सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स योर बॉय स्टैंसिस वॉइस। अभी टाइम हो चुके हैं, सुबह के 6 बज चुके हैं एंड आज मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए कॉलेज को जाना पड़ेगा अभी एंड 9 बजे से मेरा एग्जाम होगा, उसके लिए मेरे को फटाफट से जाना पड़ेगा ऊपर घर को। एग्जाम फिलहाल अब 3 पेपर रह चुके हैं, बाकी तो सारे कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स सी, तो ये अपनी सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। सामान 500 चाहिए दो बार। सो डूड, अभी धूप वगैरह लग चुकी है एंड बढ़िया करके, और अभी टाइम 6:30 हो चुके हैं। डूड बाकी आप यहाँ पे चुल्लू की पेड़ देख सकते हो, चुल्लू पक चुके हो बढ़िया करके एंड भी धूप भी लग रही है हल्की हल्की। इधर भी ये गोले गोले जो भी दिख रहे हैं आपको, ये सेब है सारे, देखते हो यहाँ पे। रोड अभी सबसे पहले रैम्पो को ले आते हैं वॉक, इधर चलो ना, इधर चल, तो इसको वॉक पे जाते। नो, अभी अपने पास टाइम बहुत आता है अभी कॉलेज जाने के लिए भी, तो मेरे को लगा उतने में इसको जो वॉक पे ले जाता हूँ, फिर सड़क को आगे ऊपर को, ये सड़क के साथ ही घर है तो इजी रहता है ऊपर सड़क के साथ आना वॉक वगैरह पे ना, तो अभी वॉक पे चले गए इसके साथ, ये भी है साथ में। नो चला रोड, अभी इसको वॉक से तो ले आ लिया, अब चलते हैं घर को, रेडी हो जाते हैं कॉलेज के लिए फटाफट। आ जाओ बेटा कम, अच्छा अच्छा चल दिया, चल चल जी, गुड 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 गुड। तो रेडी हो जाते यार फटाफट से, इसके बाद अब कॉलेज को भी जाना है फिर। 2000 years later रोड, अभी रेडी होके निकल चुके हैं कॉलेज के लिए, तो अभी 7:30 हो चुके हैं एंड 8 बजे आनी पार बस, तो 9 बजे से होगा एग्ज़ाम, तो चलते हैं फिर फटाफट से एंड उसको वॉक वगैरह करा ली थी रैम्बो को एंड उसके लिए दवाई वगैरह भी लानी, उसको खारिज खुजली वगैरह हो रखी है ना, उसके लिए शाम को दवाई भी लानी पार बैठने से, तो अभी चलते हैं फिर फटाफट से यार क्योंकि लेट हो चुकी। आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं एंड यह चांगला, सो चलो अभी अकेले हो यार, कोई है नहीं साथ में, तो फिर पार तो काफ़ी बंदे मिल जाएंगे ना जांगला में, लेकिन यहाँ से तो मैं अकेले चला हूँ घर से। तो आज का सीन यही है, एग्ज़ाम भी हिंदी का पेपर है आज, तो ठीक है देखते हैं क्या क्या सीन रहता है शाम तक एंड बाकी स्टडी वगैरह ठीक हो रखी है, बाकी एग्ज़ाम का देखते हैं किस तरह से होता है, बाकी फिर उसके बाद मिलेगी आपसे अभी सीधा कॉलेज में जाके मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक करें वीडियो को। मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, आज पहला दिन ऐसा है जिस पेपर के लिए मैं जो नॉर्मली जा रहा हूँ आज ब्लॉगिंग करके, बाकी जितने भी पेपर है ना मेरे को लेट ही हुई है पेपर के लिए, दौड़ मार के गेड़े गेड़े में जाना पड़ता था यार, फिर आज तो टाइम भी अपने पास एंड फिर ही मेरे पास ब्लॉग हो पाया, वरना ब्लॉग शूट कर पाना काफ़ी टफ हो जाता है यार, लेकिन सुबह एक तो टाइम नहीं होता, फिर बस जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। रोड सुबह कॉलेज तो चले गए थे, पहुंच गए थे एग्ज़ाम दे के, अभी फ्री हुए थोड़ी देर पहले एंड मैं घर को आ गया यार, बढ़िया हुआ है पेपर वगैरह एंड फिर बस भी आ गई थी, फिर मैं बस में आ गया फटाफट से घर को एंड घर पे चलते हैं। अभी मैं रास्ते में यार जो धूप है ना भाई, इतनी तेज़ धूप है ना, दिल को बता नहीं सकता आपको यार, फिर ही फटाफट जा रहा हूँ यार, तो जल्दी जल्दी से घर में पहुँचे और थोड़ा रेस्ट कर ले हम भी। अभी मैं रास्ते में हूँ यार, धूप काफ़ी ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं है, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे यार, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना भाई आजकल यार, कसम से यार, अगर दिन को आप पार से पैदल आओगे ना, 1 बजे का टाइम है अभी यार, आपको पता है दिन को किस तरह से धूप होती है, काफ़ी तेज़ धूप होती है भाई साहब, ये देखो आप यार धूप कितनी तेज़ है यार, काफ़ी तेज़ धूप रहती है आजकल दिन को। भाई मेरा एक्सपीरियंस ये है, आप दिन को कहीं भी नहीं जाओ, घर पर रहो, सो के रहो आराम से मज़े से, अगर आते हो ना अगर जाना है कहीं, शाम के टाइम जाओ या सुबह सुबह ही निकलो,
भाई धूप में इतने बुरे हाल हो जाते ना यार भाई, मतलब धूप इतनी तेज है ना, जान ले रही धूप ने यार। गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड इतनी तेज धूप में आए ना बाहर से, आज लिटरली घर पे पहुंचे ना पसीने पसीने हो गए सारे यार। तो घर पे अभी खाना वगैरह खा लिया, मेरे को कम से कम आके एक डेढ़ घंटा हो गया आके, एंड थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, थोड़ा सोया हुआ था, एंड उसके बाद अभी फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर अभी घर पे हूँ एंड फिर खाना वगैरह दिया रैम्बो को, फिर अभी बैठा हूँ। एंड आज के ब्लॉग आई होप आप इंजॉय कर रहे हो ब्लॉग को, एंड यहाँ तक देख लिया आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वैसे ऐसा कि 70% ऐसे जो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्या यार सब्सक्राइब करो ना यार। फिलहाल अभी चला हुआ है यहाँ पे भी काम बाहर साइड, एंड प्राइमर वगैरह लग रहा है घर पे, तो अभी चलते बाहर को देखते हैं काम वगैरह कितना हुआ है, तो चेक कराते हैं आपसे। ना जैसे यार परसों तक तो अभी आप चेक कर सकते हो कि अंदर से पुट्टी जो भी थी पुट्टी वगैरह का काम हुआ था इधर, एंड अब जो है आज प्राइमर वगैरह लग रहा है दरवाज़ों में, ये चेक कर सकते हो आप, अभी प्राइमर लग रहा है दरवाज़ों में, फिर उसके बाद जो कलर लगा इधर खिड़कियों में भी प्राइमर लगना है, अभी इधर भैया है लगा रहे प्राइमर, तो अभी रहा हुआ है यहाँ पर तक के जो सामान है सब कुछ ऐसा बिखरा हुआ है, ये देखो आप अभी इधर यहाँ इधर शीशे वगैरह लगने हैं, पर ऐसा तो लगा लिया एंड इधर अंदर वाले कमरे में भी लगा लिया, अंदर वाले उसमें दरवाजे में, एंड इधर सब खिड़कियों में रह गया इधर, और इधर तो किया हुआ है शायद, क्या पता फिर से करना पड़े। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। टाइमर लग रहा है, बाकी पुट्टी लग गई थी सब में, एंड कुछ टाइम बाद होगी शादी में भी कुछ टाइम में, यानी कि ये समझो आप शायद अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक हो जाएगी। देन आपको पीछे फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है मेरे दादू जी का फोटो, ये वाला तो ये मेरे दादू का फोटो है। घर पे हो गए पूरे दिन, तो ऐसे यार बोर होने के काम है, कुछ काम वगैरह होता भी नहीं यार, धूप में भी कुछ कर नहीं सकते, फिर घर पे अंदर सोएगा भी कितना, अरे आखिरकार एक बंदा सोएगा भी कितना यार, कब तक सोएगा, तो इसलिए थोड़ा बिजी शेड्यूल रखते हैं अपना, कब ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, शायद क्या पता डेली ब्लॉगिंग करूँ मैं, मतलब कुछ टाइम तक रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ, अभी छुट्टियाँ भी होनी 10 तारीख के बाद, तो एग्ज़ाम वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी, तो देखते हैं। फिर अभी इधर तो यार सामान वगैरह सब कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि कमरे बन रहे हैं अभी, देखते रहना ये अभी न्यू बना हुआ है ये परे को, एंड जो परे को है पहले से बन रखा है, एंड ये इधर किचन है अंदर को, तो बाकी मैं आपको फुल रिव्यू तब दूंगा जब घर ठीक है, मतलब पूरा प्रॉपर बन जाएगा ना, फिर एक होम टूर रखेगा हम उसके बाद। सो दैट्स इट आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, क्या पता हम कल के बाद डेली ब्लॉग सीरीज भी शुरू करें, तो देखते हैं क्या होता है, जैसा जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाय वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने